हेलो भाई, मैं पवार। जो आज मैं आपको गाड़ी दिखाने वाला हूँ ना भाई साहब, आप मैं फिर से बता रहा हूँ, बेस मॉडल्स का जमाना है भाई साहब। आप शौक हो जाओगे सुन के कि भाई इतने कम प्राइस में इतनी बढ़िया गाड़ी कैसे ही मिल सकती है किसी को। खैर, ये है भाई साहब आपकी ग्रैंड विटारा भाई, मारुति सुजुकी की तरफ से एक नई गाड़ी है। आप इसको SUV मतलब कंपनी ऐसे कहती है, लेकिन थोड़ा क्रॉसओवर डिजाइन मानना। ये उन्होंने कम्पीट करने के लिए निकाली है भाई आपकी सेल्टोस और क्रेटा से। अभी उनके भाई साहब सही में जो नखरे हैं ना, वो ढीले होने वाले हैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर ना उन्होंने इतना सब कुछ डाल दिया है बेस ब्रांड के अंदर कि क्रेटा सेल्टोस सही में बैठ के रोएंगे। मैं सही बता रहा हूँ, क्यों भाई, महिंद्रा हो मारुति हो, आजकल इतना बढ़िया कंपटीशन आ गया है ना कि सबको एकदम बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट देना ही पड़ रहा है, क्योंकि भाई साहब कोई मजबूरी चॉइस ही नहीं है यार। बेशक वेटिंग कितनी भी हो, लेकिन गाड़ी इतनी ज़बरदस्त इन्होंने निकाली है ना, आप भी बेस मॉडल देख के खुश हो जाओगे और आप भी इसको बुक करवाने चले जाओगे। एक साल की वेटिंग में लोग लगे हुए हैं ना, उनमें आपका भी एक नंबर लग सकता है, क्योंकि इस गाड़ी की कीमत भाई 10,45,000 रुपये एक शोरूम। सही सुना, कानों पे यकीन नहीं आ रहा ना, ब्रेजा आती है इतने में, ब्रेजा आती थी भाई साहब। और आज आपको ग्रैंड विटारा उससे ज़्यादा बड़ी, उससे ज़्यादा स्पेशियस, उससे इंजन तो चलो सेम है, उससे ज़्यादा अच्छी लुक्स में और सब कुछ चीज़ में भाई साहब आपको ये गाड़ी मिल रही है नेक्सा की तरफ से प्रीमियम। क्यों ना लोग लेंगे इसको, आप खुद एक बात बताओ। आपको भाई चाबी अगर मैं आपको दिखा दूँ ना, कीलेस एंट्री मिल रही है बेस मॉडल में, इसमें सिग्मा आता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अब ग्रैंड विटारा वही गाड़ी है, मैंने पहले इसका रिव्यू करा था टॉमनल का, जिसके अंदर वो बैटरी वाला पैक भी होता है, जिसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिलता है। अभी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और जो इनका स्मार्ट हाइब्रिड है, इसमें फ़र्क क्या है ना भाई साहब, कि इसके अंदर ना वो एक 1.5 लीटर का इंजन लगा हुआ है, जो नॉर्मल हर गाड़ी में रहता है, जैसा कि मारुति की आपने देखा होगा। स्मार्ट हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी इनकी बहुत टाइम से आ रही है, ये इनकी कुछ नहीं है भाई, वो ऑटो स्टार्ट स्टॉप वाली चीज़ को स्मार्ट हाइब्रिड वगैरह लिख के और आराम से भेज देते हैं कि आराम से अपना ट्रैफिक सिग्नल पे बंद हो रही है तो थोड़ी माइलेज आपकी बढ़ जाती है, उसको स्मार्ट हाइब्रिड लोग बोल देते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है ना, उसमें यह 26 की माइलेज आपको देखने को मिलती है। और वो कैसे, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का मतलब है इसके अंदर एक बैटरी पैक भी लगा होगा, जिसमें गाड़ी कभी आपकी बैटरी से रन करेगी, कभी इंजन से रन करेगी, ऐसे कंबाइंड आपको बढ़िया माइलेज निकाल के देती है और पावर भी फिर उसमें एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो ऐसे करके भाई आप बेस मॉडल में तो वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली भी चीज़ ऑफर मतलब नहीं कर सकते। अब अगर आप उसको लेने जाओगे तो उसका प्राइस बहुत महंगा है भाई। टॉप मॉडल का प्राइस भाई आपको पड़ता है एकदम ही डबल। जैसे ये गाड़ी अगर मैं आपको ऑन रोड बताऊँ ना, तो ऑन रोड पड़ती है आपको 12 के लगभग, मान लो अगर आप दिल्ली वगैरह से बात करते हो, और भी सस्ती पड़ जाएगी 12, तो मैं विद वारंटी ऐसे ही सब कुछ बता रहा हूँ, 12 लाख रुपए की आपको गाड़ी मिल जाती है। लेकिन वो भाई साहब आपको 22 लाख रुपए तक की पहुंच जाती है, 22, 23 तक भी अगर आप ऑल व्हील ड्राइव वगैरह, तो इतनी महंगी आपको पड़ेगी अगर आप टॉप ब्रांड में जाना, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ऑल व्हील ड्राइव आ जाती है उसके अंदर। लेकिन ये सिंपल सोबर गाड़ी उन लोगों के लिए जिनको भाई साहब ये ऐसे इतना सिरदर्दी नहीं चाहिए, उतना उनको समझना ही नहीं है कि क्या क्या है, बस एक गाड़ी मिल जाए बढ़िया सी दिखने वाली और एकदम लाजवाब फीचर्स के साथ, जिसमें वो बाहर से अपने कस्टमाइजेशन करवा सके, तो भाई इससे बढ़िया ऑप्शन कुछ भी नहीं हो सकता है। कीलेस एंट्री कौन देता है भाई, चाबी ये मारुति की टिपिकल वही वाली है जो अपना हर गाड़ी में देखने को मिलती है भाई साहब, हर गाड़ी में इनकी यही देखने को मिलती है, इससे अलग चाबी मैंने देखी ही नहीं ये रिसेंट टाइम्स में मारुति की। पहले जब भी अलग आया करती थी वो दूसरे टाइप की, लेकिन अब तो इन्होंने ऐसा वो उठाया है कि चलो भाई यही दे देते हैं। खैर, ये देखिए भाई इसकी लुक आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलते हैं, तो ब्रांड में यहाँ पे DL की तरह ही काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो लुक को बरकरार करने के लिए इन्होंने सोचा यहाँ पे इंडिकेटर दे देते हैं। और भाई साहब मेहनत करिए, ऐसी बात नहीं है, 3 ये कट से लगा के और बढ़िया चलते हैं। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर मिल रहा है बेस ब्रांड में, लेकिन हेलोजन बल्ब रहेगा, क्योंकि आप तो मार्केट LED वगैरह इसमें वाइट डलवा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। फॉग लैंप आते ही नहीं भाई, टॉप ब्रांड में भी आपको फॉग लैंप इसमें नहीं मिलते हैं। ये वाला हैरियर से स्टार्ट हुआ था ट्रेंड यार, कि ऊपर DRL दे दो, नीचे हेडलाइट दे दो, और ये कंटिन्यू हुए जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा क्लासी क्लासी सा मॉडर्न सा लुक देता है ना। और यहाँ पे बेस ब्रांड में आपको क्रोम वाली ये मिल रही है, ग्लोसी ब्लैक में आपको ये वाली ग्रिल मिलती है। बस सच में दिल प्रसन्न हो जाता है ऐसी गाड़ियों को देख के कि यह क्या वैल्यू फॉर मनी चीज उन्होंने उतार दिया है यार, देखो तो सही, मतलब नजर ना लग जाए इतने कम प्राइस में, इतनी टॉप की गाड़ी है। अभी सबसे ज्यादा शॉकिंग बात क्या है ना, मैं इतने गुण इसके क्यों गा रहा हूँ, जब मैं आपको इसकी एकदम साइड से लुक दिखाऊंगा ना, तो आप कहोगे कि चलो साइड से थोड़ी गंजी गंजी से लग रही है, क्योंकि रूफ रेल नहीं है, वो तो लगवा लेंगे यार, क्या 1,000-1,500 रुपये की चीज़ है। लेकिन ये चीज़ लगवा लोगे क्या आप 1,000-1,500 रुपये में, क्या ये तो सब 15, 16, 18, 17 की प्रोफाइल बेस मॉडल में, धोया है नहीं धोया बताओ, क्रेटा सेल्टोस को धोया है नहीं धोया बताइए आप भाई। मैं आपको क्या बात बताऊँ, उनमें 16 इंच का आता है, ठीक है, और इसमें 17 इंच का टायर ये लोग दे रहे हैं, कीलेस एंट्री आपको दे रहे हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दे रहे हैं, स्टीयरिंग कंट्रोल दे रहे हैं, और मारुति से उनकी जान ही मांग सकते हैं, इससे ज़्यादा तो और कुछ मांगेंगे नहीं भाई। इसके अलावा भाई साहब व्हील कैप्स वगैरह सब कुछ कंपनी आपको ऑफर कर रही है, रिक्वेस्ट सेंसर आपको इस साइड भी मिल रहा है, ड्राइवर साइड भी मिल रहा है, और एक पीछे बूट में भी मिल रहा है। बताओ यार कितनी मज़ेदार बात है, पीछे ये पूरी लाइट जलती है, पूरी कनेक्टिंग लाइट है भाई साहब, ग्रैंड विटारा लिखा गया है, स्मार्ट हाइब्रिड,
नंबर प्लेट लगवा लेना। नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपने को वही पीली लाइट देखने को मिलती है, चार आपको मिलते हैं भाई। इसके अंदर सेंसर, इसके अंदर कैमरा वगैरह नहीं है क्योंकि बेस वेरियंट है, बाकी ये कट लगा रखा है सुजुकी का क्योंकि लाइट इनको नहीं जलानी थी। यहाँ पे देखो ये वाला बटन आ रहा है, एक रिक्वेस्ट सेंसर वाला, गौर से देखो ये वाली जो बटन है ना, ये एक सेंसर की तरह काम करता है। और ये कचरे से भरी पड़ी है इसकी, ये बूट भी अच्छी खासी है भाई इसकी। नीचे अगर मैं बात करूँगा तो आपको स्पेड टायर जो मिलेगा वो मिलना चाहिए 16 इंच का, क्योंकि मारुति इतनी भी दिलदार तो नहीं है कि आपको भाई ये भी 17 का दे दे। ओ शिट, 215/60R17 महिंद्रा वालों, ओ सॉरी क्या महिंद्रा, मारुति नेक्सा वालों, भाई तुम लोग बहुत अच्छे हो, दिल के बहुत साफ हो यार, बहुत अच्छे। बेशक तुम्हारे ये थीम काली हो लेकिन दिल के बड़े गोरे हो यार, ये चीज़ मैंने देख ली। बिल्ड क्वालिटी तो चलो ठीक है इसकी, ब्रेजा के प्लेटफॉर्म पे तो 4 स्टार उसको मिल रखे हैं, बट ऐसे फील करने में तो हल्की लगती है जस्ट लाइक ब्रेजा। और यहाँ पे पीछे भी देखो क्या मस्त लुक इन्होंने दी है, ये देख रहे हो इंडिकेटर भी सीम है, बैकलाइट भी सीम है और ये रिफ्लेक्टर भी सीम है। देखना यार लुक बढ़िया नहीं है यार ये गाड़ी है, बढ़िया तो लग रही है यार, कौन इसको बेकार बताएगा। शार्क फिन एंटीना भी आपको दे दिया भाई, अब बताओ आप है मज़ेदार, मस्त सौदा। क्या यार 12 लाख रुपए में क्या लोगे, 12 तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे भी सस्ती आपको पड़ जाएगी डिस्काउंट वगैरह जब लग जाएंगे। यार वेटिंग बहुत है वैसे इस गाड़ी के बारे में ना, ध्यान रखना। और ये चाबी मेरे को जेब में रखनी है पर मैं इसके अंदर जाऊँगा और फिर आराम से। अब आप मज़े देखो यार, आ चुका हूँ मैं इसके अंदर, सब कुछ बंद, आपको मिरर्स मिल रहे हैं फोल्डेबल, ठीक है भाई। ये मैं जलाता हूँ इसको, ये देखिए फोल्डेबल मिरर्स बेस रन में मिल रहे हैं, चारों पावर विंडो मिल रही हैं और ड्राइवर वाली तो आपकी ऑटो अप डाउन है, ये देखिए ऑटो अप डाउन, साथ में इतनी तेज हवा जो चलने लग गई है उसकी देन है भाई ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। इसके बाद जो आपको इंटीरियर मिल रहा है ये भी डुअल टोन मिल रहा है, ये इस कलर का चेरी कलर का मिल रहा है। और यहाँ पे भी आप डैशबोर्ड पे देखो कि चेरी कलर का आपको इंटीरियर मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको मीटर जो मिल रहा है वो भी ऐसा टॉप ब्रांड जैसा ही देखने को मिल रहा है, इसमें एवरेज फ्यूल इकोनॉमी रेंज वगैरह बता रही है, फ्यूल गोज टैकोमीटर क्योंकि बेस वेरिएंट में आता नहीं ना मारुति के में तो वो बताना पड़ता है भाई, टेम्परेचर वगैरह ये मेरे को अपनी बलेनो की याद दिवा रही है, टॉर्क पावर एक्सलेटर ब्रेक इंजन मोटर बैटरी, ओहो क्या बात है, गिमी की चीज़ें तो भर रखी हैं इसमें तगड़ी तगड़ी। खैर ये प्रॉपर अपना वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला सिस्टम नहीं है, ये सब गिमिक होता है भाई जो ये सब इन्होंने लगा रखे ना, मोटर से बैटरी छूट कर ली बैटरी लगा दी होगी इसमें, मतलब इतना भरोसा ना करें इस वाले हाइब्रिड पे, ये सब तो ऐसे चौंसलेबाजी होती है। बाकी बेस्ट तो नेचुरली एस्पिरेटेड इनका इंजन है भाई साहब 1.5 लीटर का, खूब बढ़िया यार। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल रहा है बेस वेरिएंट में, वरना आप चाबी लगाते रह जाओगे, यहाँ पे कोई बटन नहीं आ रही, टॉप वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे बटन। यहाँ पे देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर मिल रहा है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिल रहा है, आपको कोई भी स्टीरियो नहीं मिलेगा भाई, ये देखिए स्टीरियो एकदम खाली आता है, स्पीकर वगैरह कुछ नहीं आता, आपको बाहर से लगवाते रहना। ऑटो डिमिंग IREM आता है, उसके साथ साथ आप इन्वॉल्व का परफ्यूम भी इसमें यूज कर सकते हो जो कि साहब बेस्ट है। कोई सी गाड़ी लेने ना, विटारा हाई राइडर एन कोई सी, लेकिन उसके अंदर ये लगाना मत भूल जाना जो कि है इन्वॉल्वन का परफ्यूम, ओरा वाला मैं आज आपको झड़क के दिखा रहा हूँ। दो स्प्रे मारो और गाड़ी ना महक जाए तो मेरा नाम अरुण पवार ने, और involveyoursenses.com का involveyoursenses.com ने, काफी अच्छी लाइन हो गई यार ये तो, मजा ही नहीं आया बिल्कुल। यहाँ पे शेयरिंग कंट्रोल आपको मिल रहे हैं भाई साहब, क्रूज कंट्रोल नहीं है, तो involveyoursenses.com पे जाके जरूर खरीद लेना जब भी कोई भी गाड़ी आप यूज कर रहे हो, अगर महक चाहिए गाड़ी में नहीं चाहिए तो वो आपकी मर्जी है। इस तरीके के देखिए आपको ये मिल रहे हैं भाई साहब सीट कवर, फेब्रिक के लेकिन डुअल टोन में है, टू 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 करती रहती है जब तक इसको लगाएंगे नहीं ना। और एक आर्मरेस्ट भी आपको मिल रहा है भाई साहब जो कि स्लाइडेबल है, और इसके अंदर आप सामान भी अपना रख सकते हो जैसे कि इन्वॉल्व का परफ्यूम। ग्लव बॉक्स भी आपको मिल रहा है भाई इस तरीके का जो कि कूल्ड नहीं है, जिसमें आप आराम से अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे भी मिरर आपको मिल जाता है ड्राइवर साइड भी, यहाँ पे बहुत कुछ कटिंग होती है, और यहाँ पे अपने को लाइट मिल रही है, ये होता है भाई बेस वेरियंट। वाह मारुति वाह, नेक्सा वालों दिल ही खोल दिया है, दिल खोल क्या दिया है, दिल फाड़ दिया है भाई, मैं बहुत इंप्रेस हुआ इस गाड़ी के साथ। 5 गियर आपको मिलते हैं, इसके अलावा भगवान जी की मूर्ति है, जय बजरंग बली जी जय हो। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप अपना फोन वगैरह रख सकते हो, और एक आपको बार बोर्ड का सॉकेट मिल रहा है, यहाँ पे आपको ऑक्स वगैरह या फिर USB के लिए निकलवाना पड़ेगा भाई। ये गाड़ी कुछ करके मानेगी, मैं आपको सही बता रहा हूँ, जितनी वैल्यू फॉर मनी दिख रही है ना कुछ तो करके मानेगी, ऐसे तो ना टिक रही यार ये 12 लाख रुपए में कोई घाटा ही नहीं है। यहाँ पे भी फैब्रिक लगा के दिया है, नहीं तो होते तो यहाँ पे भी अपना प्लास्टिक लगा के दे सकते थे, ये सब तो प्लास्टिक ही है, ये सब तो प्लास्टिक है, यहाँ पे फैब्रिक लगा के दिया है। बोतल होल्डर वगैरह मिल रहा है, सीट आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो मेरे भाई। भी अब आए हैं ना फील्ड में यार, ये 19 में जब सेल्ट हो जाई थी तभी क्यों नहीं आ गए थे यार, तब मज़ा आ जाता। और ये देखिए भाई साहब स्पेस भी खूब बढ़िया है, जैसे मेरे हिसाब से अभी ये सीट एडजस्ट है,
और मैं 6 फुट मान लो मेरे को। और ये देखना पीछे भी अपने को एसी वेंट मिलते हैं, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी अपने को सामान रखने का, कॉइन वो रखने का सिस्टम मिलता है, इस तरीके का इंटीरियर मिलता है। बस एक स्टीरियो लगवाने की देर है और स्पीकर, जो आपकी मन मर्जी का स्पीकर हो वो आप डलवा लेना, और एक एंड्रॉयड या कैसा भी स्टीरियो चाहिए हो वो डलवा लेना। बाकी भाई गाड़ी में कोई घाटा नहीं है लेने में। यहाँ पे अपने को मिल जाती है एक लाइट भी जो कि हेलोजन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दिए अच्छी बात है यार, यहाँ पे भी दे सकते थे वरना तो। हेलोजन लाइट है यहाँ पे, आगे भी हेलोजन ही अपने को लाइट मिलती है, चारों पावर विंडो आपको मिल रहे हैं, पीछे भी यहाँ पे भी अपने को फैब्रिक मिल रहा है, पीछे भी अपने को भाई साहब ये आर्मरेस्ट मिलता है, और इसके साथ साथ 3 इसके अंदर नेक रेस्ट मिलते हैं, वो वाला तो अभी हट गया है, 3 नेक रेस्ट मिल रहे हैं अपने को। इस तरीके की सीट मिल रही है जिसपे आप बेस सीट कवर भी ना चढ़वाओ तब भी आपको गाड़ी प्रीमियम लगेगी, कोई बाहर से देख के पता ही नहीं सकता कि आप बेसमेंट लेके डोल रहे हो, क्योंकि जब ये चीज़ डोर हैंडल पे किसी को भी दिखती है ना वो यही समझता है कि यार डेल्टा से नीचे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेसमेंट में कभी किसी ने देखा ही नहीं कि रिक्वेस्ट सेंसर भी आता है क्या। टीरो बेस का बहुत ही प्यारा लगता है, ब्रेजा ब्रेजा से तो बहुत एनी टाइम बहुत बढ़िया गाड़ी है ये, कोई ब्रेजा ब्रेजा ढूंढ रहा हो ना रिजेक्ट कर देना कि भाई मैं वेट कर लूँगा, लेकिन गाड़ी चाहिए तो ग्रैंड विटारा, वरना तो भाई कुछ नहीं चाहिए मेरे को, अगर मतलब इस प्राइस ब्रैकेट में आप देख रहे हो, क्योंकि भाई ये सोनेट वोनेट और नेक्सोन के कंपेरेटिव की गाड़ी नहीं है, कभी आप सोच रहे हो उनके बराबर उन्होंने ब्रेजा निकाल रखी है, अलग ही सेगमेंट है, क्रेटा सेल्टोस केबल की टक्कर की गाड़ी है। ये देखिए इंजन इसका 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, आपको करीबन 105 bhp भी निकाल के देता है भाई ये वाला, टॉर्क तो बहुत ही कम है इसका। कैमरा वैमरा तो नहीं है खैर, वो तो बाहर से लग जाएगा, बाएं हाथ का खेल है। तो ये ग्रैंड विटारा भाई साहब आपको कैसी लगी आप जेन्युइन कमेंट्स में बता के जाना। 17 इंच का अलॉय व्हील्स के साथ, सॉरी स्टील रिम्स के साथ, बढ़िया प्रोजेक्टर के साथ, बढ़िया लाइट्स के साथ, बढ़िया इंटीरियर के साथ, स्टीयरिंग कंट्रोल के साथ, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के साथ, और पीछे भी आर्मरेस्ट है इसमें। वीडियो देने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।